डीएनएस को शुरू करते हैं जनाब। डीएनएस सबसे पहले तो डोमेन नेम सिस्टम, इसका काम एग्जैक्टली वही है जो कि विंस करता था, यानी नेम्स को, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेसेस में रिजॉल्व करने का काम डीएनएस का होता है। डीएनएस को इंस्टॉल करने के लिए सेम प्रोसीजर है आपके पास जो कि किसी भी सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए होता है, लाइक कंट्रोल पैनल, देन ऐड रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड रिमूव विंडोज कॉम्पोनेंट्स। यहाँ पे नेटवर्किंग सर्विसेज डिटेल्स के अंदर आपको डीएनएस मिल जाएगा। डीएनएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इस पर, अदरवाइज इंस्टॉल करने का वही तरीका है जो कि आप नॉर्मली करते रहते हो। इंस्टॉल करने के बाद डीएनएस आपको प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और उसके अंदर आपको डीएनएस मिलेगा। यहाँ से नहीं खोलना चाह रहे तो इसकी शॉर्टकट की है dnsmgmt.msc। जना अभी आपके पास डीएनएस यहाँ पे कॉन्फ़िगर होया हुआ है, इसको हम एक दफ़ा डिलीट करके दोबारा से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जनाब दो तरह के हमारे पास इसके अंदर जोन्स हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन्स और रिवर्स लुकअप जोन्स। फॉरवर्ड लुकअप जोन्स के अंदर आपकी फॉरवर्ड लुकअप क्यूरीज हैं वो स्टोर होती हैं, और रिवर्स लुकअप जोन्स के अंदर आपकी रिवर्स लुकअप क्यूरीज स्टोर होती हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर एक नाम प्रोवाइड कर रहा है और उस नाम के अगेंस्ट उसे आईपी एड्रेस चाहिए, तो इस तरह की एक क्यूरी जो है वो फॉरवर्ड लुकअप क्यूरी कहलाती है। और अगर आईपी एड्रेस दे रहा है और आईपी एड्रेस की जगह नाम चाहिए है तो उसको रिवर्स लुकअप क्यूरी कहा जाता है। जनाब तो फॉरवर्ड लुकअप जोन्स जो हैं उसके अंदर हमारी जो क्यूरीज जब हैंडल होती हैं तो प्रॉपर एक हायरार्की के अंदर उसको हम स्टोर करते हैं, यानी टॉप पे हमारे पास आता है रूट, रूट के अंदर होती हैं फिर टॉप लेवल डोमेन्स, और टॉप लेवल डोमेन्स के अंदर सेकेंड लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन जो है वो एक पीरियड से रिप्रेजेंट की जाती है, यानी डॉट से। ठीक, तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले राइट क्लिक, न्यू जोन, नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन बनाने हम लगे, यानी पहली दफ़ा जब आप कोई जोन बना रहे होते हैं तो प्राइमरी होता है। अगर आप उसको कोई बैकअप लेना चाह रहे हो, यानी किसी और सर्वर के ऊपर या इसी सर्वर के ऊपर उसके कोई और कॉपी रखना चाह रहे हो, तो आप स्टैंडर्ड सेकेंडरी बना सकते हो, या अगर आपने ADS के साथ इंटीग्रेट करना है तो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड। इस वक्त चूँकि ADS नहीं इंस्टॉल, लिहाजा ADS इंटीग्रेटेड जो है ऑप्शन आपके पास ग्रे आउट है। ADS से जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ना वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, और यहाँ से ADS अपने रिकॉर्ड्स पिक करती रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप नाम देंगे डोमेन का, क्या नाम होना चाहिए? डॉट, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, सिर्फ डॉट, क्योंकि पहली दफ़ा हम जोन क्रिएट कर रहे हैं तो टॉप पे हमने रूट लेवल बनाना है, और रूट लेवल के लिए हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। देखिए आपने डॉट लिखा था, यहाँ पे उसने रूट डॉट DNS ऑटोमेटिकली दे दिया फाइल नेम, यानी रूट फाइल वो बना रहा है। नेक्स्ट और फिनिश, आपका रूट बन गया यहाँ पे, ये इसके अंदर डिलीट कर देते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स अपने कैशे से उठा रहे हैं। रूट के अंदर अब हम मज़ीद डोमेन्स क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, न्यू डोमेन, न्यू डोमेन के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपकी टॉप लेवल डोमेन आनी है, टॉप लेवल डोमेन्स जो होती हैं वो कॉम, ORG, EDO, EDU इस टाइप की आपकी डोमेन्स होती हैं। हम यहाँ पे कॉम के नाम से एक डोमेन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, इसमें एक हाँ जी नहीं, फिलहाल तो हमारे पास एक ही DNS सर्वर है ना, वो हायरार्की हम क्रिएट कर रहे हैं पूरी, क्योंकि DNS जो है वो एक हायरार्की के अंदर काम करती है। आप जब अपनी डोमेन इंस्टॉल करते हो, डोमेन बनाते हो, तो उसके नाम किस तरह से रखते हो? लाइक abc.com नाम रखोगे उसका? अब इसमें ABC डोमेन का नाम है आपकी अपनी डोमेन का, कॉम जो है वो आपकी टॉप लेवल डोमेन का नाम है, और फिर डॉट जो है वो आपके रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो भी तो हायरार्की में चल रहा होता है ना, इसी वजह से आपको यहाँ पे हायरार्की बनानी पड़ती है। ठीक, अब कॉम के ऊपर राइट क्लिक करो आप, न्यू डोमेन की ऑप्शन आएगी, यहाँ पर आप अपनी डोमेन का नाम दे सकते हो। ठीक है, लाइक हम यहाँ पर डोमेन नेम देते हैं हनी बंच।
हनीमंच आपकी अपनी डोमेन होगी। अब ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स जितने भी आएंगे वो यहाँ पे आके स्टोर होंगे, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और हायरार्की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके लिए हमेशा एक नया जोन भी क्रिएट करते हैं। ठीक, एक दफ़ा और जोन क्रिएट कर लो आप स्टैंडर्ड प्राइमरी, ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी पूरी डोमेन का नाम दे दो, ठीक है, honeybunch.com, ये आपने पूरा का पूरा उसका नाम दे दिया। जी करें क्वेश्चन पूछें। हमने अभी हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर हम आपने कहा था बैकअप टाइप, तो हम सेकेंडरी उसमें क्यों नहीं रखते इसको? वो भी रख सकते हो इसी को, ये इसलिए होता है कि आपके इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सेफ रहें। ठीक है, वो तो दूसरे सर्वर के ऊपर जाके होगा ना, अगर आपके पास सर्वर ही एक चल रहा है फिर क्या करोगे? ठीक, जोन आपका क्रिएट हो गया। जी, जोन क्रिएट होने के बाद अगर आप इसको खोलें तो देखें हनी बंच जो है ग्रे आउट हो गया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ग्रे आउट होने का मतलब यही है कि आपका DNS प्रॉपरली, यानी इसकी हायरार्की जो है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गई है। ठीक, अब रिवर्स लुकअप जोन की तरफ अगर हम जाएं तो राइट क्लिक न्यू जोन, नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्राइमरी। अब हम रिवर्स लुकअप जोन बना रहे हैं। जी, सेफ्टी इसमें यह है कि रिकॉर्ड सारे यहाँ पे आके स्टोर होंगे, ठीक है, रिट्रीव यहाँ से होंगे। हमने देखा है कि अक्सर चीज़ें जो इस्तेमाल नहीं हो सकती वो ग्रे हो जाती हैं, लाइक ओके का बटन अक्सर ग्रे आउट होया हुआ होता है, आप जहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते उसे। लाइक अगर आप यहाँ पे अभी रन पे जाओ और ये सारा कुछ ख़त्म कर दो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है आप ओके नहीं कर सकते। ओके का बटन देखो ग्रे आउट है, बाकी सारे जो हैं वो अभी ब्लैक में ही हैं। ठीक, जो चीज़ यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं लेकिन उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पड़े रहेंगे ना, सेफ रहेंगे, यहाँ पे एक्सेस नहीं होंगे, यानी यहाँ पे सेफ रहेंगे और यहाँ से एक्सेस होते रहेंगे। हो रहे हैं रिकॉर्ड, ऊंचा बोलते रहें होते रहेंगे रिकॉर्ड। ठीक, ओके, रिवर्स लुकअप जोन, न्यू जोन, नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्राइमरी। अब रिवर्स लुकअप जोन में आप नाम नहीं देते, आप नेटवर्क आईडी देते हो अपनी, ठीक है, 129.1.0, क्योंकि 129.1 जो होती है वो नेटवर्क आईडी होती है। अगर 10 लिख दोगे तो 10.0.0, ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, इसमें सिर्फ पहले दो ऑक्टेट जो होते हैं वो नेटवर्क आईडी होते हैं। हाँ, तो उसमें आप 3 लिख दो। नेक्स्ट और फिनिश, ये आपका जनाब रिवर्स लुकअप जोन के इसके अंदर एंट्रीज आ गई हैं। अब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले शबीब ने कहा था कि आपके डायनेमिक अपडेट्स कैसे होती हैं, ठीक है, डायनेमिक अपडेट्स के लिए आप प्रॉपर्टीज़ लो, यहाँ पे आप डायनेमिक अपडेट्स को यस कर दो, ठीक है, यस करो, ओके करो। अब सारी की सारी यहाँ पे क्लाइंट्स की जो अपडेट्स हैं वो डायनेमिकली होती रहेंगी, यानी जब भी आप किसी क्लाइंट को कहोगे कि आपका DNS सर्वर ये कंप्यूटर है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो वो जब भी DNS से क्यूरी करेगा DNS उसका रिकॉर्ड अपने पास ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेगा। ठीक है, ओके, ये तो होगी जनाब आपकी DNS की कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपकी एडवांस लेवल कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, यानी आपकी जोन प्रॉपर्टीज़ और आपकी सर्वर प्रॉपर्टीज़। पहले जोन प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही है आपके पास जनरल, जनरल में आपके पास आपकी जोन फाइल नेम आ रहा है, डायनेमिक अपडेट्स आ रही हैं और एजिंग आ रही है। एजिंग क्या है कि आप अपने जितने भी स्टेल रिसोर्स रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट कर दो। स्टेल चीज़ें क्या होती हैं? बासी, ख़राब हुई हुई चीज़ें। ठीक, तो वो अगर आप ख़राब रिकॉर्ड्स या पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट करना चाह रहे हो, स्कैवेंज करना चाह रहे हो, तो आप 7 दिन के बाद, या प्रेफरेबल ये होता है कि आप 8 दिन रखो यहाँ पर, ताकि DHCP के साथ आपका मैच होता है। DHCP 8 दिन बाद आपकी रिलीज़ करता है, ठीक है, या उसको 7 पे ले आओ या इसको 8 पे ले जाओ, ठीक है, दोनों जगह पे आप 8 कर दो। 8 दिन के बाद ये हर स्टेल रिसोर्स रिकॉर्ड को स्कैवेंज करता रहेगा जो ख़राब हो चुके हैं, जो अपडेट हो रहे हैं। अब लेट सपोज इसने अपना IP एड्रेस बताया 129.1.1.1, ठीक
ठीक है, DNS सर्वर को पता है कि कंप्यूटर वन का IP एड्रेस है 192.168.1। कुछ दिनों बाद उसका IP एड्रेस चेंज हो गया, 7 दिन बाद या 8 दिन बाद उसका IP एड्रेस चेंज हो गया, उसे नया IP एड्रेस मिल गया 192.168.130। अब जो पुराना रिकॉर्ड था वो काम करेगा? वो तो ख़राब हो चुका है ना, बासी हो चुका है, तो उस तरह के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यहाँ पर डिलीट कर देगा। ठीक है, ओके जी। फिर स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी SOA, अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं तो फिर उनमें से मल्टीपल DNS सर्वर्स हैं, यानी एक से ज़्यादा DNS सर्वर्स मौजूद हैं, तो उनमें से अथॉरिटी किसके पास होगी, यानी लीडर कौन होगा उनका। ठीक, अब जब भी वो रेप्लिकेशन करेंगे तो इस सीरियल नंबर की बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि अथॉरिटी किसके पास है। जिसका सीरियल नंबर ज़्यादा होगा वो अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे सर्वर को भिजवाएगा। जैसे इसके पास अभी कोई रिकॉर्ड जैसे ही आता है तो इसके पास एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसका सीरियल नंबर हो जाएगा 2। दूसरे सर्वर के पास अभी तक रिकॉर्ड नहीं आया, उसके पास सीरियल नंबर 1 ही रहेगा। अब दोनों जब अपने सीरियल नंबर्स मैच करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इस सर्वर के पास, आपके सर्वर के पास 2 रिकॉर्ड्स हैं और दूसरे सर्वर के पास 1 रिकॉर्ड है, तो ये अपना रिकॉर्ड जो है दूसरे सर्वर को ट्रांसफ़र कर देगा ऑटोमेटिकली। नहीं, मैनुअली करने की कुछ ज़रूरत नहीं आपको। ठीक है, ये आपका प्राइमरी सर्वर है, यानी आपका अपना सर्वर। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन एडमिनिस्ट्रेटर इसको मैनेज कर रहा है। रिफ्रेश इंटरवल है इसका जनाब 15 मिनट्स का, अगर 15 मिनट्स के बाद ये नहीं कर सकता रेप्लिकेट तो ये 10 मिनट बाद फिर से ट्राई करेगा रीट्राई। ठीक, और फिर भी अगर नहीं कर सकता तो 1 दिन तक वो कंटिन्यूसली कोशिश करता रहेगा हर 10 मिनट बाद, फिर भी अगर नहीं रेप्लिकेट कर पाता तो 1 दिन के बाद उस रिकॉर्ड को एक्सपायर कर देगा कि फ़िलहाल इसको छोड़ दो काम को। ठीक, फिर TTL होता है आपकी केबल के ऊपर, ये आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी जगह जगह पे। फिर नेम सर्वर्स में अगर आप टाइम टू लिव, किसी भी एक रिकॉर्ड का टाइम टू लिव, कितने अरसे तक वो रिकॉर्ड जो है वो, क्या हो गया भाई ये तो सो गया, जी नेम सर्वर्स आपके नेटवर्क पे इस वक्त जितने भी नेम सर्वर्स मौजूद हैं, चाहे वो विंस के नेम सर्वर्स हैं चाहे वो DNS के हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आपके पास ऐड होंगे। नहीं, DHCP नेम सर्वर तो नहीं है ना, नेम सर्वर से मुराद जो नाम को IP एड्रेस में रिजॉल्व कर रहा है या IP को नाम में रिजॉल्व कर रहा है, इस तरह के सर्वर्स नेम सर्वर्स कहते हैं, उन सब की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है। देन विंस सर्वर्स के साथ अगर आपने फॉरवर्ड लुकअप यूज़ करनी है, यानी हो सकता है कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हों जो आपके DNS के पास ना हो लेकिन विंस के पास हों, तो आप विंस फॉरवर्ड लुकअप यहाँ से यूज़ कर लो। ठीक है, और IP एड्रेस दे दो अपने विंस सर्वर का। अब अगर कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है DNS को कि मुझे किसी भी कंप्यूटर का रिकॉर्ड चाहिए, आपके DNS के पास वो एड्रेस नहीं है, तो DNS जो है ये डायरेक्टली विंस के पास जाएगा और उसे कहेगा यार ये रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो आप प्रोवाइड कर दो। जी ओके, देन जोन ट्रांसफर्स, ये जो आपके पूरे के पूरे जोन्स होते हैं ये ट्रांसफ़र किए जाएं ना किए जाएं, और अगर किए जाएं तो कैसे किए जाएं, यानी आपका पूरा फॉरवर्ड लुकअप जोन या रिवर्स लुकअप जोन जो भी है, सबसे पहले तो आपने अलाउ करना है कि नहीं करना। ठीक है, आप चेकबॉक्स लगा दोगे तो अलाउ हो जाएगा, रिमूव कर दोगे तो जोन्स नहीं ट्रांसफ़र होंगे आपके। ये पीछे जोन्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले फॉरवर्ड लुकअप जोन्स रिवर्स लुकअप जोन्स, इनको आप किसी और सर्वर के साथ रेप्लिकेट करना चाह रहे हो कि नहीं, इनको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो कि नहीं। ठीक है, पहले तो आपने ये कि इनको ट्रांसफ़र अलाउ भी करना है कि नहीं, अगर करना है तो फिर किसे, टू एनी सर्वर, कोई भी अगर सर्वर से मिल जाए उसे रेप्लिकेट कर दे, यानी सर ट्रांसफ़र कर ले, ओनली टू द सर्वर्स लिस्टेड ऑन द नेम सर्वर्स टैब, सिर्फ उन सर्वर्स को रेप्लिकेट करे या उन सर्वर्स के साथ जोन्स ट्रांसफ़र करे जो कि यहाँ नेम सर्वर्स के टैब पे मौजूद हैं, या किसी स्पेसिफाइड सर्वर को आप करना चाह रहे हो, यहाँ पे IP एड्रेस दे दो सर्वर का कि इस सर्वर को खाली जोन्स ट्रांसफ़र करने। ठीक, डेफिनेटली वो भी DNS सर्वर होना चाहिए। ठीक, ये हो गई आपकी जोन प्रॉपर्टीज़, जोन प्रॉपर्टीज़ के बाद सर्वर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जनाब। अब सर्वर प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली चीज़ है इंटरफेसेस। एक कंप्यूटर के मल्टीपल IP एड्रेसेस हो सकते हैं? नहीं। कौन कहता है कि नहीं, किस किस का ख्याल है कि नहीं, आपको क्या ख्याल है, नहीं हो सकते, आपको क्या ख्याल है, नहीं हो सकते, हो सकते हैं,
चेक कर लेते हैं यहीं पे। ये हमारे पास एक ही सर्वर है, इसको एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है यहाँ पे 129.1.1.2। एडवांस में जाके मैं एक और आईपी एड्रेस दे देता हूँ इसको 129.1.1.4। ऐड, ओके ओके ओके, ठीक है जी। चेक करते हैं अब इसके कितने आईपी एड्रेस है जनाब। दो आईपी एड्रेसेस मिल गए, 129.1.1.4 और 129.1.1.2, ठीक है जी। दो आईपी एड्रेस है ना इसके पास, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर को दो या दो से ज़्यादा आईपी एड्रेसेस अलॉट किए जा सकते हैं। क्या क्या मैच? ये तो स्टैटिक दे रहे हैं ना, डायनेमिक थोड़ी दे रहे हैं। डीएचसीपी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ओके जी, फिलहाल तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि एक कंप्यूटर को दो आई पी एड्रेसेस दिए जा सकते हैं। फिर अगर इस सर्वर के दो आई पी एड्रेसेस हैं तो ये किस आई पी एड्रेस पर डीएनएस की जो रिक्वेस्ट हैं उनको एक्सेप्ट करेगा? ऑल आई पी एड्रेस, यानी किसी भी आईपी, एक लेट सपोज आपके पास 129 की रेंज का आईपी एड्रेस है, एक 193 की रेंज का आईपी एड्रेस है, 193 की रेंज से कोई कंप्यूटर अगर रिक्वेस्ट करता है तो ये डीएनएस सर्वर किस आईपी एड्रेस पर रिस्पॉन्ड करेगा? 129 पे या 193 पे? 193 पे रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि 193 से ही रिक्वेस्ट आ रही है। अब मैं इसे यहाँ पर कहता हूँ कि ओनली टू द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, यानी सिर्फ 129 की अगर रिक्वेस्ट आती हैं तब आप एज अ डीएनएस सर्वर काम करो। अगर 193 वाले रिक्वेस्ट करते हैं तो उनसे कह दो कि मैं डीएनएस सर्वर नहीं हूँ, ठीक? समझ आ गई, क्लियर हुई चीज़? कि एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस की रेंज आपने दे दी कि 129 की रेंज के कंप्यूटर्स जितने भी हैं 129.1 की रेंज के सारे जब भी आएंगे तो ये एज अ डीएनएस सर्वर काम करेगा, वो जब भी इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। बाकी कोई भी इसके साथ कम्युनिकेट करेगा तो ये कह देगा कि मैं डीएनएस सर्वर हूँ ही नहीं, राइट? या ऑल आईपी एड्रेसेस कर दो तो चाहे जो मर्जी इससे रिक्वेस्ट करता रहे ये एज अ डीएनएस सर्वर ही काम करेगा। फिर फॉरवर्डर्स, फॉरवर्डर्स का ये होता है कि अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और आप किसी और से पूछना चाह रहे हो किसी और डीएनएस सर्वर से, तो वो फॉरवर्डर्स के थ्रू होता है। मोस्टली ये यूज़ होते हैं आपके सेकेंडरी सर्वर्स पे, फॉरवर्डर्स सेकेंडरी सर्वर पे जाके आप ये फॉरवर्डर्स जो हैं ये इनेबल कराते हो। उसमें होता ये है कि सेकेंडरी सर्वर के पास हो सकता है कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद ना हो, तो वो फिर अपने प्राइमरी यानी रूट सर्वर से पूछता है जाके कि मेरे पास ये रिकॉर्ड नहीं है, शायद आपके पास हो तो मुझे दे दो। वो फॉरवर्डिंग यहाँ पर नहीं हो सकती क्योंकि ये खुद रूट सर्वर है, इसके ऊपर हमने रूट का जोन बनाया। अभी प्राइमरी सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जिसके ऊपर आप सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हो, सेकेंडरी सर्वर सिर्फ उनकी एक बैकअप कॉपी रखता है। एडवांस में चले जाओ तो आपके पास ये काफ़ी सारी ऑप्शन हैं। एडवांस के में हम दोबारा आएंगे बाद में, पहले आगे की चीज़ें कर लें, छोटी छोटी हैं। रूट हिंट्स, रूट हिंट्स जो होते हैं ये आपके यूज़ होते हैं कि आप डीएनएस दूसरे जो डीएनएस सर्वर्स हैं आपके नेटवर्क पे उनको ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? आप यहाँ पे ऐड करा सकते हो लेकिन फ़िलहाल नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद रूट सर्वर है। लॉगिंग, यानी लॉग फाइल्स किस किस चीज़ की क्रिएट किए जाएँ, हिस्ट्री किस चीज़ की मेंटेन की जाए, यूँ समझ लो जब भी कोई क्यूरी हो तो उसका एक लॉग फाइल क्रिएट कर लिया जाए। इवेंट व्यूअर में स्टोर होते हैं ना, ठीक है? इवेंट व्यूअर में वैसे नॉर्मली इसका लॉग नहीं होता, लेकिन अगर आप यहाँ पर कहते हो कि क्यूरी रख ली जाए, ठीक है, अप्लाई करते हैं इसको और इवेंट व्यूअर में जाके चेक करते हैं। यहाँ पे देखो डीएनएस सर्वर का एक आपके पास आ गया लॉग, ठीक, डीएनएस का अलहदा से आपके पास एक लॉग मौजूद है। इसके अंदर आपके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाती रहेगी, यानी जब भी कोई क्यूरी आएगी ये उसके अंदर जाके एक लॉग लिख देगा कि मेरे पास एक कोई रिक्वेस्ट आती है तो, ठीक है? यानी इनमें से कोई भी काम होता है, सेंड, रिसीव, आंसर, क्वेश्चन, अपडेट, नोटिफाई, कोई भी काम है अगर आपका डीएनएस सर्वर करता है उसकी एक लॉग फाइल क्रिएट होगी। मॉनिटरिंग में आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका डीएनएस सर्वर जो कोई भी डीएनएस की एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी का ये लॉग फाइल्स क्रिएट करेगा, ठीक है? ओके, मॉनिटरिंग में जनाब आपके पास आ जाता है कि अगर आपने चेक करना है कि आपका डीएनएस सर्वर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप चेक कर सकते हो। सिंपल क्यूरी करके देखते हैं, टेस्ट नाउ फेल्ड, डेफिनेटली इस वक्त नेटवर्क पे ही नहीं आपका सिस्टम। रिकर्सिव क्यूरी कर लेते हैं एक,
रिकर्सिव क्यूरी भी फेल्ड। ठीक है, आप खुद से इसको चेक कर सकते हो बार बार कि क्या वाकई मैं नेटवर्क पे सही तरह से कम्युनिकेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अब फेल हुआ है, क्यों हुआ है, ये आप जाके चेक कर लो इसको। ठीक, ओके। अब ये सिंपल क्यूरी और रिकर्सिव क्यूरी का क्या चक्कर था? सिंपल क्यूरी ये होती है कि कोई भी अगर क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक आईपी एड्रेस चाहिए, एक नाम है उसके अगेंस्ट आईपी एड्रेस चाहिए, तो वो एक सिंपल क्यूरी है। यानी उसने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया। अगर आपके पास उसका आंसर नहीं है या आपके पास उस वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और आप किसी और सर्वर से पूछ के फिर उस क्लाइंट को दे रहे हो, यानी क्लाइंट ने आपसे पूछा, आपने किसी और से पूछा, किसी और से पूछ के आपने क्लाइंट को वापस कर दिया, वो आईपी एड्रेस पहुंचा दिया, तो उसे एक रिकर्सिव क्यूरी कहा जाता है। किसी और डीएनएस सर्वर से, एवेंट सर्वर से, किसी भी नेम सर्वर से। ठीक, एडवांस में जाते हैं वापस, डिसेबल रिकर्शन। अब यही जो रिकर्सिव क्यूरी की मैं बात कर रहा था अभी, कि किसी और सर्वर से लेके हमने रिक्वेस्ट फुलफिल की थी, अगर आपको पता है कि आपके नेटवर्क के ऊपर कोई और डीएनएस सर्वर है ही नहीं, तो फिर आपको रिकर्शन की क्या ज़रूरत है, आप उसको डिसेबल करा दो। ठीक है, रिकर्सिव क्यूरीज वो नहीं करेगा। बाइंड सेकेंडरीज, बर्कले इंटरनेट नेम डोमेन सेकेंडरीज, बर्कले इंटरनेट नेम डोमेन सेकेंडरीज जो हैं ये फास्ट जोन ट्रांसफ़र फॉर्मेट इनेबल करा देती हैं। उसमें होता है कि जब आपके जोन्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो वो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, पैकेट्स उनके इस तरह से बनते हैं कि उनके जोन ट्रांसफ़र जो है वो फास्ट हो जाती है। देन फेल ऑन लोड इफ़ बैड जोन डाटा, अगर आप जोन्स ट्रांसफ़र कर रहे हो और उसके अंदर कोई भी डाटा करप्ट है, तो उसको फिर दूसरे जोन कंप्यूटर के अंदर लोड नहीं किया जाएगा। यानी आपने तो यहाँ से जोन भिजवा दिया, वो जोन जब वहाँ पे पहुँचेगा तो उसे चेक करेगा कि यार ये रिकॉर्ड ठीक है कि नहीं, अगर वो रिकॉर्ड गलत निकले तो वो लोड ही नहीं करेगा उस जोन को अपने पास। देन इनेबल राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन में ये होता है कि नॉर्मली अगर आप देखो ना, तो कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर आता है आपके पास, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए, आपका डीएनएस सर्वर अपनी डेटाबेस के अंदर उसको ढूंढता है, जहाँ कहीं पे भी उसे वो नाम मिल जाए वो वाला आईपी एड्रेस उठाता है और देके क्लाइंट को वापस देके भेज देता है। राउंड रॉबिन क्या करता है कि बजाय इसके कि वो पहले नाम पे ही उठा के वापस भेज दे, क्लाइंट को अपनी उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल कर दे, वो रिकॉर्ड मिलने के बाद इंतज़ार करता है, पूरे की पूरी डेटाबेस स्कैन करता है। जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इस सर्वर के हमारे पास मल्टीपल आईपी एड्रेसेस थे, इसी तरह से हो सकता है उस क्लाइंट के भी मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हों, तो वो सारे के सारे आईपी एड्रेसेस जो हैं वो अपने पास पहले खुद से नोट करेगा कि इतने ये तीन चार आईपी एड्रेसेस हैं, वो चारों आईपी एड्रेसेस इकट्ठे करके फिर क्लाइंट को भिजवाएगा कि जिस कंप्यूटर का आपने आईपी एड्रेस मांगा था उसके चार आईपी एड्रेसेस हैं, वो चारों आप अपने पास रख लो, उनमें से जिसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो कर लो। ठीक, वैसे राउंड रॉबिन जो है ये रॉबिन हुड का छोटा भाई भी है। जिस आईपी एड्रेस के थ्रू आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस सिंगल क्लाइंट को आप कर सकते हैं, जो आपने करके दिखाया था ना कि एक यानी कि एक आपका क्लाइंट है या सर्वर जो भी है, मल्टीपल आप आईपी एड्रेस से बना सकते हैं, वो यानी कि आप पूरा स्कैन करके वो हां सारे के सारे आईपी एड्रेस इकट्ठे ही देगा सिस्टम की, आपको उसको तमाम आईपी एड्रेस आपको देता रहता है, आईपी एड्रेस को लेकर कोई भी लेकर उसको एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल ठीक, ओके जी। अच्छा, ये राउंड रॉबिन जो है इसका रॉबिन विलियम्स से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक अलग अच्छा सेक्टर है, लेकिन यहाँ पे उसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इनेबल नेट मास्क ऑर्डरिंग, अब जब आप ये राउंड रॉबिन के थ्रू मल्टीपल आईपी एड्रेसेस क्लाइंट को दे रहे होगे तो वो किस ऑर्डर में दिए जाएंगे, आप नेट मास्क ऑर्डरिंग करा लो, यानी नेटवर्क मास्क जो है आपका सबनेट मास्क, उसके हिसाब से उसको ऑर्डर करेगा क्लास ए के पहले, फिर क्लास बी, फिर क्लास सी के आईपी एड्रेसेस देगा। ठीक है जी, सिक्योर कैश अगेंस्ट पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या होती है, जैसे आजकल हमारी क्रिकेट टीम में वो इंजमाम है, पोल्यूशन ही है खाम खा की। ठीक, यानी कुछ करता शर्ता कुछ नहीं है, बस इट्स देयर वहाँ पे बैठा हुआ है। इसी तरह से काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि पोल्यूटेड होते हैं, जो कि काम नहीं कर रहे होते, लेकिन चूंकि स्कैवेंजिंग हमने 7 दिन की रखी होती है, 7 दिन बाद उसने डिलीट होना होता है, वो 7 दिन तक पड़ा रहता है, वो खाम खा की एक पोल्यूशन होती है। फिर वो पोल्यूशन अगर कैशे में आ जाए तो आपकी कैशे खाम खा भरी रहती है। ठीक, उससे बचने के लिए आप सिक्योर कैशे अगेंस्ट पोल्यूशन कर दो, वो जब भी कैशे के अंदर किसी रिकॉर्ड को स्टोर करेगा तो पहले इसको वेरीफाई करेगा, जो पोल्यूटेड रिकॉर्ड्स होंगे उनको लोड ही नहीं करेगा अपने पास। ठीक है, बाइंड सेकेंडरीज, बर्कले इंटरनेट नेम डोमेन सेकेंडरीज, ये फास्ट जोन ट्रांसफर फॉर्मेट को इनेबल कराते हैं।
जिसके थ्रू आपके जोन ट्रांसफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है जी, ये आपके सर्वर प्रॉपर्टीज़ और आपकी जोन प्रॉपर्टीज़ भी होगी। ये आपकी DNS की टोटल कॉन्फ़िगरेशन है। एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम ADS में देखेंगे। वैसे आपको ADS के साथ कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है DNS को, DNS खुद ब खुद कॉन्फ़िगर होता है ADS के साथ, ADS के इंस्टॉलेशन के दौरान ही कॉन्फ़िगर हो जाता है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस DNS? किसको एक्टिवेट करा के दिखाएं? इसको एक्टिवेट नहीं किया जा सकता फ़िलहाल, क्योंकि आपका सिस्टम इस वक्त नेटवर्क पर नहीं है। 100 पे वैसे तो कनेक्टेड है, शो तो 100 कर रहा है, लेकिन आगे कोई कंप्यूटर है ही नहीं मज़ीद, ना कोई हब है, कुछ भी नहीं है। क्यूरी फेल करनी ही करनी है, इसको रिस्पांस नहीं मिल रहा आगे से। यहाँ देखो कोई पैकेट रिसीविंग है, कोई सेंडिंग है, कुछ भी नहीं है, कोई बतियाँ शतियाँ कुछ भी नहीं ऑन हो रही। ये इस तरह से नहीं जाएगा अभी। क्या हो सकता है, लेकिन उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है। एनी क्वेश्चन DNS से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? देख लेंगे अभी, जैसे ये सिस्टम तैयार हो जाता तो हम सारा देख लेंगे। अब क्लाइंट साइड पे आपने DNS की कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी होती है? क्लाइंट पे आपने सिर्फ DNS का एड्रेस देना होता है। प्रॉपर्टीज़ में जाओ आप, लोकल एरिया कनेक्शन की, TCP/IP की प्रॉपर्टीज़ में जाओ और यहाँ पे जाके DNS सर्वर का एड्रेस ऐड कर दो बस। ठीक है, ये एड्रेस ऐड कर दिया और उसके बाद फिर आप यहाँ DNS में आके अपने DNS सर्वर का नाम दे सकते हो। यानी यहाँ पे आप ऐड कर दो honeybunch.com, ठीक, और यहाँ पे भी आप ऐड कर दो honeybunch.com। क्या DNS सफिक्स फॉर दिस कनेक्शन? यानी इस वक्त जो आप कनेक्शन यूज़ कर ले उसके लिए सफिक्स, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपके नाम के बाद इस्तेमाल होती है, जैसे वो होता है ना नवाबजादा नसरुल्ला खान। अब नसरुल्ला उसका अपना नाम है, प्रीफिक्स उसका नवाबजादा है और सफिक्स उसका खान है। ठीक है, जो नाम के आगे इस्तेमाल हो रहा है वो सफिक्स है, जो नाम से पीछे है वो प्रीफिक्स है। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर नेम जो है उसके साथ honeybunch.com जो है वो एज सफिक्स इस्तेमाल होता रहेगा। जी रजिस्टर दिस कनेक्शन एड्रेस इन DNS, यानी इसकी रजिस्ट्रेशन कर ली जाए DNS के अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज़ यूज़ दिस कनेक्शन DNS सफिक्स एंड DNS रजिस्ट्रेशन, इसका DNS सफिक्स जो है वो भी रजिस्टर कर लिया जाए, ना सिर्फ इसका नाम। ठीक है, अपेंडिंग इसकी इस तरह से होती रहे इस ऑर्डर के अंदर, मतलब एडिशन।